आज है डे टू। ठंडा पानी रे, मेरे को नहीं चलता ठंडा पानी। आज हम जाना रहे नीलकंठ धाम। पतला वाला नदा इसको बोलते हैं ढोकला है लोग। श्री स्वामी समर्थ अपन फोटो लावला है। क्लोजर व्यू ऑफ द टाइम। आज बिरला मार्केट आए हैं साड़ी देखने के लिए। बांधनी का इतने सारे साड़ी लिए। छोले दाल और ये स्वामी नारायण जी का मंदिर है। क्या व्यू है यार। सब तीर्थ बार बार गंगा सर देखी। गणपति महाभारत लिख असतो या सगळ्या नद्या दिसत आहेत। सरस्वती नदी गुरु दिसत असते। असं लग रहा है कोई सेट में आए हो। नर्मदा आरती बाजरी की रोटी ठीक रहता है। ये डिटेल वीडियो ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी आई विल पुट, सो स्टे ट्यून्ड गाइस। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज है डे टू एकता नगर में और अभी हम थोड़ा रिसोर्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारा श्री कामधेनु रिसोर्ट। और पहले तो हम स्विमिंग पूल जा रहे हैं। रेडी हो गए। गुड मॉर्निंग बोल। गुड मॉर्निंग। ये स्विमिंग पूल पता नहीं कितना, मेरे को ठंडी बिल्कुल पसंद नहीं। अभी स्विमिंग पूल ज़्यादा ठंडा रहेगा तो उसे पैर ही बुड़ाओगी। पानी बहुत ही ठंडा है गाइस, इसलिए सिर्फ पैर ही डाल के बैठे। ठंडा पानी, ठंडा पानी रे ना, कस जमत का माहिती। मेरे को नहीं जमता ठंडा पानी। और ये हमारा रिसोर्ट है, पूल फेसिंग रूम्स। वहाँ पे फैमिली रूम्स है, चार लोग रह सकते हैं यहाँ पे, दो लोग। एंड सामने रेस्टोरेंट, इधर रिसेप्शन एंड लॉन एंड गेमिंग जोन भी है, बट पता नहीं किधर है। आज आम्ही जाणार आहे आता नाश्ता करून गरुडेश्वरला। तिथे दत्ताचं मंदिर आहे ते करणार, मग तिथून आम्ही थोडं शॉपिंग करणार आणि मार्केट त्यांनी सांगितलं तिथचं ते, आणि तिथून मग आम्ही नीलकंठ धामला करणार जाणार। ते नीलकंठ धाम दिल्लीचं अक्षरधाम आहे तसं आहे, तसं आम्हाला जाऊन बघायचं आहे। तिथून मग आम्हाला तो सोडणार आहे नर्मदा आरतीला, मग नर्मदा आरती करणार आणि तिथे जेवायला येणार। हमने मंगाया है ये, हमको लगा हमने ढोकला बोला था तो इधर ढोकला ऐसा फ्लैट रहता है, अपने मुंबई में तो अलग रहता है। एंड यार एज यूजुअल वापस थेपला रिपीट। वो जो बड़ा वाला फ्लफी वाला रहता है उसको बोलते हैं खमन, खमन बोलते हैं। और ये जो पतला वाला रहता है इसको बोलते हैं ढोकला, ये लोग ऐसा अंकल बोल रहे हैं। ये भी अच्छा है, बेस्ट है थेपला। ना क्रिस्पी है ना, और इसमें धना है ना, हाँ धना मेथी एंड बड़ी सोप। परफेक्ट। कैसा है दत्त मंदिर गरुडेश्वर लालो है। आणि इथे डॉगी पण आलाय नेमकी टाइमेवर। ते सगळ्यांचे फोटो लावले, श्री स्वामी समर्थांचा पण फोटो लावला आहे आणि ते पण फोटोज आहेत। श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज। ये जो मंदिर है इसके पीछे इतना बड़ा डैम है, ओ माय गॉड, वियर डैम बोलते हैं इसको। देखो क्या नज़ारा है यार, वाओ। और क्या आवाज आ रहा है, वियर डैम, वियर द क्लोजर व्यू ऑफ द डैम। ओ नीचे यहाँ मुझे लगता है यहाँ आरती होता रहेगा। नीचे बहुत स्टेप्स है, थोड़ा ड्राई हो गया है।
पानी छोड़ा है बट अभी पानी सोडलं आहे ना हे असंच असत पाणी अडवलं असेल क्वीन एलिजाबेथ बैठी है मैं मेरा गॉगल जी नहीं था यार भूल गई वी हैव रीच्ड राज पलाना और मैं एक खतरनाक रिव्यू को दिखा रही हूँ बहुत धूप है यार इसलिए धूप से बचने के लिए राज पिछला में हम लोग ने बोला है अंकल को कि हमको थोड़ा शॉपिंग करना है तो हम अभी राजपीपला मार्केट आए हैं साड़ी देखने के लिए आज मटेरियल मिले चेकिंग ऑन साड़ीज सोच रही हूँ बट आई एम नॉट श्योर बांधनी का हाँ ब्लाउज पीस है सामने Pink. Full. Confusion ही confusion है इधर एक साड़ी है जो डब्बे में है ये देखो ऐसी डब्बे में सो नाइस मैंने लिया है ये वाला जो मम्मी देने वाली है पटोला में रेड कलर ये एक लिया है ये मेरी मम्मी ले रही है येलो कलर एंड मेरे को और एक ये अच्छा लगा है ग्रीन वाला ब्यूटीफुल तो हमने इतने सारे सारे लिए राजलक्ष्मी दुकान से राजलक्ष्मी राजपिपला में दो साड़ी ये सब मम्मी का साड़ी है मैं दो ही लिया है और इसने पांच लिए है तो अभी हम निकल गए हैं नीलकंठ धाम जाने एकतानगर से नीलकंठ धाम है 40 किलोमीटर्स 1-1.5 hour लगेगा जाने के लिए पहुंच गए हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है इसका एंट्रेंस पे ऐसे फाउंटेन्स बनाए हैं और सबसे पहले हम अभी खाना खा रहे हैं इधर इसके बाजू में नीलकंठ प्रसादम है तो यहाँ पे काफ़ी खाने के स्टॉल्स हैं यहाँ से लेके वहाँ बैठ के खाना है 2 बज रहे और इतना धूप है ना ओह माय गॉड तो खाने में मैंने पंजाबी थाली लिया मम्मी ने गुजराती छोले दाल ये पनीर की भाजी है रोटी चावल पापड़ मम्मी के इसमें काय म्हणता त्याला तोंडली चण्याची है का ये खाना खाने के बाद कुछ 2:30 बज गए एंड देन हम मंदिर जाने निकले मंदिर के बाहर के साइड काफ़ी बड़ा सा गार्डन बनाया है वहाँ पे कृष्ण भगवान गोपिया स्वामी नारायण जी इनके मूर्ति रखे हुए हैं वो गार्डन्स में ये मंदिर कुछ 1-3:15 तक बंद रहता है फॉर लंच टाइम एंड इसलिए तब तक हमने बाहर का सब गार्डन एंड ऑल घूम लिया नीलकंठ धाम 40 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है फ्रॉम स्टैचू ऑफ यूनिटी एंड 60 किलोमीटर्स फ्रॉम वडोदरा यहाँ के एरिया को ना पोइचा बोलते हैं ये टेंपल नर्मदा रिवर के बैंक्स पे बांधा हुआ है और ये स्वामी नारायण जी का मंदिर है बट यहाँ आपको सारे भगवान के दर्शन करने मिलेंगे मैंने कभी विष्णु के अवतार एज एन आइडल और मूर्ति नहीं देखे थे एंड यहाँ ना मुझे सारे अवतार देखने मिले नरसिम्हा कल्कि एंड आई वाज सो हैप्पी आई एम रियली सो ब्लेस्ड
वहाँ पे मंदिर है जो अभी फ़िलहाल बंद है, 3:15 बजे खुलेगा। एंड इसके बाजू में ही नर्मदा रिवर है। क्या व्यू है यार, आई कांट टेल यू, आई कांट एक्सप्लेन द व्यू। पूरा ये नर्मदा रिवर पे बांधा है मंदिर। ये देखो, ये फुल मंदिर है। अभी लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे। एंड ये पूरा जब पानी भरा रहेगा तो कितना मस्त। ये आगे थोड़ा पानी भरा है बट ये थोड़ा ड्राई है। एंड लोग इस पर चल भी रहे हैं, देखो काफ़ी लोग यहाँ पे चल रहे हैं। शायद से वो गांव से ना, वो साइड से इधर आते रहते हैं टू विजिट द टेम्पल। नहीं माला संग गंगा सागर संग सगना गंगा सागर सब तीरथ बार बार गंगा सागर एक ही पार म्हणजे काय आम्ही अजून गेलो नाहीये। गंगा समुद्राला मिळते ते ठिकाण गंगा सागर। आणि दुसरी स्टोरी काय सांगा, सरस्वती नदी ती तिथून चारधाम ला आपण आम्ही गेलेलो तिकडून ती सरस्वती नदी एवढ्या जोराने वाहते तिचा आवाज। आणि ती जेव्हा वाहत होती आवाज करत आणि व्यासमुनी गणपतीला सांगतात महाभारत, गणपती महाभारत लिहित असतो आणि त्याला एवढा त्यांचं डिस्टर्ब होतो ना हिचा, मग ते श्राप देतात व्यासमुनी तिला की तुझा तू फक्त वाहू शकते हो सण, तू पुढे लुप्त होणार, पुढे तू दिसणारच नाही। मग ती खरंच दिसत नाही, ती तिथून फक्त वाहत। नाव काय त्याचं? सरस्वती नदी। खरं? त्यामुळे गंगा आहे, यमुना आहे, नर्मदा, या सगळ्या नद्या दिसतात पण सरस्वती नदी कुठे दिसतच नाही। ती फक्त कुठे दिसते थोडीशी? ती तिथेच ते व्यासमुनी। मग ती गायब होते? ती गायब होते, ती ओसंडून दिसते, पुढे तिचं पाणी दिसतच नाही। हुशार आहे ग, तुला सगळं माहिती। तिथेच एक भीम पूल आहे। भीम पूल काय? भीम पूल म्हणजे भीमाचा पूल आहे, भीमाने पूल बांधलेला असतो, तर नदीचं पाणी आणि तो भीम पूल वरून आपण सगळं जाऊ शकतो। हुशार आहे ग तू, सगळं माहिती तुला। माझी फेवरेट जागा ती, मला जायचं भीम पूल। आणि आम्ही तिथे नाही गेलो कलकत्ताला, ते तू देणार ना ते ऑफिस त्यांच्या कामासाठी। ये मंदिर इतना ज़्यादा खूबसूरत है ना, शालिग्राम भगवान सब भगवान है एंड मस्त। पानी भी इतना ब्लू कलर है, इसमें कॉइन्स डाला है, वेरी ब्यूटीफुल वाइड एंगल व्यू 0.5 में। ऐसे लग रहा है कोई सेट में आए हो, इतना परफेक्ट। सी द वाटर ब्लू कलर। एंड ये हर मन जो है ना इसमें एक 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 भगवान है। ये एंट्रेंस पे बड़े हाथी एंड यहाँ पे रथ में स्वामी नारायण जी। Heading back towards our room. We room पे जाएंगे, rest करेंगे and then नर्मदा आरती। नीलकंठ धाम घूम के हो गया हमारा and वो मंदिर के ना बाजू में एक ये भी है, एक बड़ा सा अम्यूजमेंट पार्क जैसे है जो छोटे बच्चों के लिए एंड ऑल। हम नहीं गए उसमें क्योंकि वापस उसको 2-3 घंटा जाता था और हमारा नीलकंठ धाम घूम के अराउंड 5:30 हो गया था।
और हमको मतलब मैंने मम्मी को बोला कि बस हो गया यार, अभी ये अम्यूजमेंट पार्क क्या घूमना है, बच्चों का है। तो मम्मी ने बोला ओके ठीक है चलेगा। एंड फिर वहाँ से हम निकल गए, एक घंटा लगा रिसोर्ट आने के लिए, वापस नाम नहीं दिख रहा है, ओके सो एक घंटा लगा रिसोर्ट आने के लिए। एंड देन अगर आप मतलब हमारा ट्रिप क्या था, सैटरडे संडे मंडे का हमारा ये प्लान था स्टैचू ऑफ यूनिटी, एंड मैंने पहले ही रिसोर्ट बुक कर लिया था, तो मुझे नहीं पता था कि मंडे को स्टैचू ऑफ यूनिटी बंद होता है। हमारा प्लान था संडे मंडे दो दिन स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने का। फिर जब मुझे पता चला, काफ़ी लेट हो चुका था और रिसोर्ट कैंसिल भी नहीं हो रहा था, तो मम्मी ने बोला कि कुछ और देखते हैं, फिर वहाँ कुछ और घूमेंगे। इसलिए हमने फिर मंडे का प्लान रखा नीलकंठ डैम, गरुड़ेश्वर मंदिर एंड राजपिपला में शॉपिंग। तो ये हमने मंडे को किया। अभी हमारा एक चीज़ पेंडिंग रह गया है और वो है नर्मदा रिवर का आरती। जो आरती है वो हर रोज़ होती है, सिर्फ स्टैचू ऑफ यूनिटी वो है, जो स्टैचू देखना है वो सब मंडे को बंद रहता है। सो वो 7:45 को है, अभी 6 बज रहे हैं, तो वो करना है हमको। एंड गाइस इधर जब हम एकता नगर स्टेशन पे उतरे थे, तभी से वहाँ पे एक ऑटो वाले अंकल हमको मिल गए थे ये रिसोर्ट तक आने। तो एकता नगर से रिसोर्ट आने 100 रुपये लिया उन्होंने, तो वो अंकल का नंबर लेके हमने रखा था। एंड फिर हमने नीलकंठ डैम, यहाँ से 40 किलोमीटर्स है, तो वो पूरा डील हमने आज फिक्स किया। 1400 लिया उन्होंने, राजपिपला, नीलकंठ डैम और गरुड़ेश्वर मंदिर वो सब घुमाया उन्होंने। एंड कल हमारा ट्रेन है वडोदरा से, क्योंकि एकता नगर से मुंबई जाने का ट्रेन रात को रहता है, एंड यूजुअली रिसॉर्ट्स में चेकआउट 11 बजे तक होता है, रात का एकता नगर से ट्रेन 8 बजे कुछ है, तो इसलिए हमने वडोदरा से निकाला है ट्रेन। तो सुबह भी अंकल लेके जाएंगे ऑटो से, तो ये अंकल बहुत मस्त हमको मिले हैं एंड बहुत अच्छा रेट भी देते हैं ऑटो का रेट। तो मैं इनका नंबर शेयर करूँगी वीडियो के लास्ट में। ऑल सेट फॉर नर्मदा आरती, एंड मैंने पहना है वाइट कलर का आउटफिट, और मम्मी ने देखो क्या पहना है, वो बोलती है मैंने उसको बताया नहीं कि आरती के लिए वाइट कलर का पहनना है। मैं होशियार हूँ यार, मम्मी को परफेक्ट एक ट्रैवलर मिल गए अंकल, विक्रम अंकल, जो परफेक्ट टाइम पे आते हैं हमको पिक करने।
वे काल से परे हैं, इसलिए वे सृष्टि की सारी पावनता का स्रोत भी है। उनकी भक्ति मनुष्य को पाप के सभी बंधनों से मुक्त करने वाली है, परंतु यदि मनुष्य उनकी साधना समर्पण के भाव से न कर अहंकार से करता है, तब उसे साधना का सुफल तो मिलता है, परंतु उसका यही अहंकार उसे कर्मों के कर्ता होने के अभिमान से भर देता है। नर्मदा आरती हो गया और इतना मस्त है, इतना पीसफुल, बहुत अच्छा था। एंड अगर आप एकता नगर स्टैचू यूनिटी आ रहे हो सो प्लीज़ डोंट मिस ऑन नर्मदा आरती। 7:45 PM शाम को होता है एंड फ्री है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सब पॉइंट्स चार्जेबल है, बट दिस इज बैठ सकते आराम से। एंड एक लेज़र शो भी होता है उसमें, और ये उसका एंट्रेंस है जो अभी हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। आज लगा था आज मंडे है तो ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, बट बहुत भीड़ थी, फुल पैक। अभी हम डिनर करने जा रहे हैं सेम हमारा महाराजा रेस्टोरेंट, तो बताते हैं क्या करते हैं। ये हमने नाश्ता के लिए लिया था सुबह आज ढोकला, बट इतना अच्छा लगा फिर वापस मंगाया डिनर के लिए। डिनर में हमने मंगाया है सेम कल की तरह शेव भाजी, एंड मम्मी ने मंगाया ये क्या मम्मी बाजरी की रोटी ठीक रहता है ये, एंड मैंने फुलका मंगाया, सो आई एम गोइंग टू टेस्ट। और ये तो खाया हम लोग ने ढोकला, गोइंग टू टेस्ट दिस फर्स्ट टाइम, ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए रिपीट। गरम है बाजरी की रोटी, खूब जाड है। अरे सेम लाइक इडली, इनका ढोकला फ्लैट ढोकला, इनका ये चटनी है ना रेड है ना, ये बहुत अच्छा। डिनर करने के बाद हम होटल आके सो गए। सुबह हमारी ट्रेन थी फॉर मुंबई फ्रॉम वडोदरा स्टेशन। हम ऑटो से वडोदरा स्टेशन गए, कुछ 2 घंटे लगे एंड इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मैं पूरी कुल्फ़ी बन चुकी थी। हमने वहाँ ब्रेकफास्ट में सेव खमनी खाया, मैंने फर्स्ट टाइम खाया एंड इट वॉज सुपर्ब। ये सिमिलर टू ढोकला है, मीठा है इसका टेस्ट, एंड डू ट्राई इट आउट इफ़ यू हैवेंट। इसके बाद हमने मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ ली फ्रॉम द स्टेशन। अभी 3 घंटे नहीं 2 घंटे बाकी है। तो ये था मैं ये टेडी बेयर बन चुकी हूँ क्योंकि बहुत ठंड थी सुबह में। हम एकता नगर से वडोदरा आए ऑटो से, इसने ऑटो बुक की थी तो बहुत ठंडी, तो मैं पूरा ऐसे ये फर वाला जैकेट काम आ गया। तो ये था हमारा डे 2 और फाइनल डे, एंड अभी मैं मुंबई पहुंचने वाली हूँ लाइक 2 आवर्स में, एंड आज मेरा ऑफिस भी है। तो डे 2 में हम लोग ने क्या क्या घूमा, गरुडेश्वर मंदिर, निरखंड धाम एंड शॉपिंग किया। तो मैं पूरा वीडियो डालूँगी कि कैसे ट्रिप प्लान किया, क्या क्या, कितने रेट, सब कहाँ रुके थे हम रहने के लिए एंड ऑल एवरीथिंग डिटेल वीडियो ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी आई विल पुट। सो स्टे ट्यून्ड गाइस एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।